Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. द कपिल शर्मा शो के रविवार के एपिसोड में एक्टर प्रभास श्रद्धा कपूर के साथ नजर आए। प्रभास इस शो के सेट पर अपनी अपकमिंग फिल्म साहो का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे हुए थे। कपिल शर्मा ने शो की शुरुआत में ही पब्लिक को प्रभास का पूरा नाम बताकर चौंका दिया। कपिल ने शो की शुरुआत सेट पर आए एक इंटरनेशनल गेस्ट के परिचय करने से की और इसके बाद उन्होंने साहो स्टार प्रभास का परिचय कराया। अधिकतर लोग प्रभास का पूरा नाम नहीं जानते, इसीलिए जब कपिल ने शो पर प्रभास का पूरा नाम बताया तो लोग हैरान गए। कपिल ने प्रभास का नाम कुछ इस तरह से लिया, प्लीज वेलकम वेंकटेश सत्यनारायणा प्रभास राजू उपलब्धि। कपिल ने कहा कि ये पांच लोग नहीं है, सिर्फ एक आदमी का नाम है और ये अकेला आदमी पांच स्टार्स के बराबर है। कपिल शर्मा के प्रभास का नाम लेते ही पब्लिक ने एक्साइटमेंट में जबरदस्त शोर किया। शो में कपिल शर्मा ने प्रभास और श्रद्धा से कई मजेदार सवाल पूछे। उन्होंने जैसे ही प्रभास से पूछा कि एक दिन के लिए पीएम बने तो क्या करेंगे, ये सवाल सुनते ही प्रभास ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में इंटरव्यू बंद करा दूंगा। उसके बाद कपिल ने प्रभास से पूछा कि उनकी फिल्म का नाम साहो है, इसका मतलब क्या होता है। जवाब में प्रभास ने बताया कि संस्कृत में जिसे जय हो कहते हैं उसे साहो कहते हैं। प्रभास के जवाब पर शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने एक्सप्रेशन भी बदले। ऐसा लगा कि अर्चना को भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम था। सेट पर कपिल ने प्रभास को थैंक यू कहा कि वो उनके शो के सेट पर अपनी फिल्म की रिलीज से पहले आए। कपिल ने कहा कि प्रभास अपनी फिल्म का प्रमोशन करने कहीं नहीं जाते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। कपिल ने प्रभास के साथ आई श्रद्धा कपूर की खिंचाई करते हुए कहा कि आपको श्रद्धा से कुछ सीखना चाहिए, वो अपनी तीन फिल्मों का प्रमोशन करने के दौरान 6 बार यहां आ चुकी है। कपिल ने उनके सेट पर बने घर की तरफ इशारा करते हुए श्रद्धा से कहा कि वो यहां इस घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती। शो में कपिल के बाद अर्चना पूरन सिंह ने भी प्रभास से कई सवाल पूछे। उन्होंने प्रभास से सवाल किया कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है। प्रभास ने आमिर खान की दंगल और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो शाहरुख खान और सलमान खान के बहुत बड़े फैन है और उनकी फिल्में देखना काफी पसंद करते हैं और उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट है। बता दें कि प्रभास ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान बताया था कि वो साहो फिल्म को 2 साल नहीं देना चाहते थे क्योंकि इससे पहले वो बाहुबली फिल्म को 4 साल दे चुके थे, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत थी। कुछ एक्शन सीन जिसमें अबू धाबी का चीज सीन भी शामिल है, उसके लिए उन्होंने लगभग 1 साल काम किया है। फिल्म के लिए बहुत सारी तैयारियां और रिहर्सल्स की जरूरत थी। गौरतलब है कि फिल्म में जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर और नील नितिन मुकेश विलेन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रद्धा कपूर के किरदार की बात करें तो वो अमृता नैयर की भूमिका में है। वो इस फिल्म में क्राइम ब्रांच ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। ये फिल्म 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।